नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, CVET PG 2024 के एडमिशन का जो प्रक्रिया है अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए शुरू हो चुका है और अभी जो है तीन विश्वविद्यालयों की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर निकल के उन बच्चों के लिए सामने आ रही है जिनके की मार्क्स काफ़ी कम हैं और उन्होंने अभी तक जो है किसी भी लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। तो चलिए भाई, देखते हैं, हम इन तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में बात करेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय। साथ ही कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने जो रजिस्ट्रेशन का फी है उसको फ्री कर दिया है, फ्री रजिस्ट्रेशन जो है उनके यहाँ हो रहा है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कितने से कितने मार्क्स वाले बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि CVET PG की पल पल की जो अपडेट है हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, ठीक है, इनके द्वारा जो है पीजी के कुछ कोर्स चलाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पीजी का कोर्स जो है इनके यहाँ चलता है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है और साथ ही रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इनका जो एडमिशन नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर पीजी एडमिशन एकेडमिक ईयर 2024-25 अंडर CVET PG, ठीक है। तो इनके यहाँ जो है आप देख पा रहे होंगे साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में तीन कोर्स जो यहाँ पर चल रहे हैं, MA इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, MSW है और सोशियोलॉजी है। साथ ही नीचे दो और कोर्स जो है इनके यहाँ चल रहे हैं, तो टोटल 10 कोर्स जो है पीजी के अंतर्गत यहाँ पर चल रहे हैं और इनका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ओपन किया जा चुका है इनके यहाँ से, यानी कि समर्थ पोर्टल से जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी है वह कोई फ़ी नहीं ली जाएगी, यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे नो फी फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इनके यहाँ जो रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तिथि है वह 20/5/2024 है, ठीक है, यानी कि 26 अप्रैल से इनके यहाँ का रजिस्ट्रेशन शुरू है और 20 मई तक आप इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा और मैं जो है बात करने वाला हूँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और यहाँ पे बीएड वगैरह के कोर्स भी चलते हैं, बीएड के साथ साथ और भी पीजी के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं यहाँ पर चलाए जाते हैं। तो इनके यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वह शुरू किया जा चुका है और साथ ही अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनका एक बार हम लोग एडमिशन नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तिथि क्या होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वह ओपन किया जा चुका है और ₹300 जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी UR OBC और EWS के बच्चों के लिए है और ₹200 SC ST और PWD के बच्चों के लिए है। इनके यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन है वह 1/5/2024 से लेकर 15/6/2024 तक चल रहा है, ठीक है, यानी कि 1 मई से लेकर, ठीक है ना, 1 मई से लेकर कब तक चलेगा भाई, 15 जून तक इनके यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन या एडमिशन वगैरह है वह चलने वाला है, ठीक है। तो यह एक अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। तो अगर आपने अभी तक इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ज़रूर से कराइएगा, क्योंकि काफ़ी कम मार्क्स में भी यहाँ पर एडमिशन मिलता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी के तौर पे जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एडमिशन का एक बेहतरीन मौका मिल सकता है कम मार्क्स में भी। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ के और एक यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, कि इनके यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वह क्या है, कब तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह जो है कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन है पीजी एडमिशन का। थोड़ा सा जो है हम लोग यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन को देखेंगे, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल यहाँ पर 29 कोर्स जो है पीजी के लिए
चल रहे हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, कन्नड़ है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, एमबीए के बहुत सारे कोर्स हैं, लाइफ साइंस है, बीएड है, एमएड है, तो अच्छे अच्छे कोर्स जो हैं इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। काफ़ी लो मार्क्स की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कम नंबर में भी जो है आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। एडमिशन की जो फ़ी है जनरल ओबीसी वाले बच्चों के लिए 500, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के बच्चों के लिए जो है 100 रुपये इनके यहाँ की एडमिशन की फ़ी जो है रखी गई है, ठीक है। और इनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो रहा है वह 2/5/2024 से इनके यहाँ का रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ओपन किया जा चुका है। और आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है कब तक करा सकते हैं भाई, 3/6/2024 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद 4/6/2024 को इनके यहाँ जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका एक लिस्ट जो है इनके द्वारा पब्लिक कर दिया जाएगा, तो साथ ही फिर ये लोग अपना एडमिशन का प्रोसेस वगैरह आगे बढ़ाएंगे, तो एक अच्छी खबर है। बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी जा चुकी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है अलग अलग कोर्स के लिए, ये सारी जानकारी जो है इस नोटिफिकेशन में दी जा चुकी है। विस्तृत जानकारी के लिए जो है आप इनके पोर्टल को विज़िट कीजिए और वहाँ पर सारी चीज़ों को देख लीजिए अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है तो। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच जरूर से शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।